रबीउल अव्वल का महीना है, विलादत रसूल, जश्न आमद रसूल, मिलादुन्नबी, 12 रबीउल अव्वल के जलसे, जुलूस, महाफिल ज़ोर शोर से जारी हैं, मनाई जा रही हैं। क्यों ना मनाएं, जब एक आम टीचर की अजमत को सलाम पेश करने के लिए टीचर डे मनाया जाता है तो मिलादुन्नबी क्यों नहीं, जो तमाम टीचर्स के भी टीचर हैं, जो मुअल्लिम इंसानियत, उस्तादुल उस्तादीन हैं, तो उसका ज़िक्र खैर क्यों नहीं। ये सवाल आम तौर पर लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि कल टीचर डे गुज़रा और रबीउल अव्वल में मिलादुन्नबी के हवाले से अवेयरनेस, इस्लाही पैगाम और असल मकसद जब लोगों को बताया जाता है तो वो ये समझते हैं कि शायद ये मिलाद के ख़िलाफ़ हैं। हालांकि ये समझने की ज़रूरत है कि मिलाद के ख़िलाफ़ मुसलमान कोई कैसे, कोई इंसान भी नहीं हो सकता। मिलाद तो बरहक है, इसी मिलाद से तो कुफार को आग लगती है। असल बात मिलाद के तरीके से है। जिस बात को, जिस काम को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरू नहीं किया, जारी नहीं किया, उसको जारी नहीं किया जा सकता। विलादत की तो तारीख भी साबित नहीं है, कुजा ये कि 12 रबीउल अव्वल और मिलादुन्नबी सेलिब्रेट करना। देखें, जिन्हें हमसे ज़्यादा मोहब्बत थी, जिनकी मोहब्बत को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने स्टैंडर्ड करार दिया कि इन जैसा ईमान लाओ, उन्होंने ये काम ना किया तो हम मोहब्बत के नाम पे वो काम कैसे कर सकते हैं। एतराज़ किया जाता है कि टीचर डे पर तो मैसेज आपको याद रहता है मगर मिलादुन्नबी से आपको मसला होता है। यही तो मैं समझा रही हूँ और यही तो आपको समझ नहीं आ रहा, मसला मिलाद का नहीं है। भला मसला मिलाद से कैसे हो सकता है, मसला मिलाद मनाने से है। हर वो तरीका, हर वो काम जो दीन में नहीं है, दीन के नाम पर किया जाए, मज़हब के लेबल से किया जाए, इस्लामिक टच से किया जाए, वो बिदत कहलाता है। फिर कहते हैं कि टीचर डे बिदत नहीं, तो ये दीन के नाम पर नहीं किया जाता, इसे मज़हब का लेबल नहीं लगाया जाता, इसे इस्लामिक टच नहीं दिया जाता। देखिए, दीन और दुनिया के हवाले से दो असूल हैं, अगर आप ये समझ लें तो ये बिदत, सुन्नत और जिद्दत, इनके समझने में जो कन्फ्यूजन होती है उसका खात्मा मुमकिन है। और वो ये है कि दीन में हर वो काम जो नया होगा वो मरदूद होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि दुनिया का हर नया काम तरीका बिदत होगा, बल्कि फरमाया मन अहदाता फी अमरिना, जिसने हमारे इस मामले में, मुहद्दिसीन ने लिखा आई फी दीनिना, यानी दीन के मामलात में, दीन के नाम पर जो नया काम होगा वो बिदत होगा। ये नहीं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इलाज मुआलजा, कार्स पे सवारी, जहाज़ पे चढ़ना, माइक का इस्तेमाल, स्पीकर, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये सब बिदत है। आप इसे बिदत नहीं कह सकते, ये बिदत नहीं है, ये दुनिया की चीज़ें हैं, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। दुनिया के मामलात में शरई असूल ये है कि इसमें अग़यार की कॉपी ना हो, कुफार की नक्काली ना हो, क्योंकि उनके तरीक़ों पर चलेंगे तो फिर उन्हीं में से हो जाएंगे। और दीन में असूल ये है कि जिद्दत नहीं क़दामत, न्यू नहीं लेटेस्ट नहीं ओरिजिनल, ऑथेंटिक। अल्लाह के लिए बड़ी बड़ी फ़िक्र की किताबें पढ़ते हैं, बुज़ुर्गों की किताबों को रट्टे लगाते हैं, कुरान और हदीस का खुलासा समझ लें। दुनिया के मामलात में इस्लामी हदूद में खुली छुट्टी है, सिर्फ अग्यार की नक्काली ना हो, दूसरों की मुशाबियत ना हो, अपनी पहचान को खोना ना हो। इस्लामी हदूद के अंदर रहकर आप चीज़ों का इस्तेमाल करें, दुनिया को इंजॉय करें, आपको इजाज़त है, दुनिया है ही आपके लिए। मगर जो काम आप दीन के नाम पर कर रहे हैं उसके लिए सबूत चाहिए कि सलफ़ सालिहीन से वो चलता आ रहा हो। मगर बदकिस्मती से ईद मिलाद का सिलसिला, 12 रबीउल अव्वल का सिलसिला तो 50 साल पहले नहीं था। आज भी जो 50 से बड़ी उम्र के लोग हैं उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि 12 मिलाद नहीं, 12 वफात मनाया जाता था। और फिर अगर आप अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7 सदियां देख लें
तो आपको ईद मिलाद का कोई ज़िक्र नहीं मिलेगा। ये मिलाद मनाने की साजिश, ये बिदत 4वीं सदी से निकलना और 7वीं सदी में फैलना शुरू हुई। अब बताइए कि इसको बिदत कहें या जिद्दत, इसे दुनिया के मामले में रखें, सीरत कॉन्फ्रेंस कहें, शान रहमतुल्लिल आलमीन कहें, तो मैं इसे प्रमोट करूंगी, आपकी आवाज़ बनूंगी। लेकिन अगर आप इसे दीन का चूरन कहकर बेचेंगे और इसे शरीयत से साबित करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको सबूत देने पड़ेंगे, वगरना आप मर्दूद ठहरेंगे।